हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कवर कर लिए, कैली हैमिल्टन कवर कर लिए, डायगोनलाइजेबल ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑल आर एक्सप्लेन इन अ डिटेल फॉर्म। तो आप क्या करना है, एक बार आई बटन में क्लिक करके वो देख लो तो आपको ये वीडियो ईजी लगेगा। चलो, आज का जो मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। फंक्शन ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स होता क्या है वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझो यूनिवर्सिटी मतलब स्पेशली मैं टारगेट करूँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम आता ही है 6 मार्क्स के लिए। तो कैसे आता है, क्या है, क्यों आता है, कैसे सॉल्व करना है, सबको डिस्कस करने वाले हम लोग। हाँ चलो, फंक्शन ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स मीन्स वॉट। एक फंक्शंस रहेगा। फंक्शंस मतलब क्या होता है? फंक्शंस मतलब यहाँ पर अगर मैंने एफ ऑफ एक्स बोला मतलब राइट साइड में एक्स का पूरा वेरिएबल रहेगा। एफ ऑफ ए बोला तो मतलब क्या होता है, राइट साइड में ए का वेरिएबल रहेगा। बट क्या जरूरी है फंक्शंस को एफ से डिनोट करना? नहीं, कोई कोई बुक में फाई दिया रहता है। फाई मतलब वो चीज देखेंगे हम लोग, टेंशन मतलब फिलहाल के लिए यहाँ पर समझो फंक्शंस। लेकिन किसके बारे में? रेक्टेंगुलर नहीं बोला मैंने, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला। नाउ व्हाट द स्क्वायर मैट्रिक्स इज? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो और कॉलम सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले। चलो, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन मतलब क्वेश्चन जब पूछेंगे तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देंगे और हम लोग बोलेंगे एंड आस्क फाइंड व्हाट ए रेज टू एन, टेन ए, कॉट ए, रेस टू ए, साइन ए, कॉस ए। समझ रहे हैं तुमको मैंने क्या बोल रहा हूँ? ये सब वो पूछेंगे क्वेश्चन में, कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स देख के वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछ रहे हैं। इट मे बी एनीथिंग, हाँ इट मे बी एनीथिंग, टेन ए, कॉट ए, साइन ए, रेस टू ए, एक्सपोनेंशियल, कभी कभी लॉग भी पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब मैंने नोटिस किया ना, जो हमारा रेफरेंस बुक है कुंभोजकर करके, उसमें यही सब ज्यादा मोस्टली दिए, तो ये सब मैंने ले लिया। यहाँ पर देखते कंसेप्ट पे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलो, फॉर टू बाई टू मैट्रिक्स। अब देखो फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है, पहले बेसिक हो जाए तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स मैं जब बात करूं तो फंक्शंस की, देखो जरूरी नहीं मैंने बोला कि एफ ऑफ ए लिखना, तुम फाई ऑफ ए भी लिख सकते हो, इट्स कॉल्ड एट फाई। चलो लिखते कैसे, फंक्शंस 2 बाय 2 में, 2 बाय 2 में दो कोएफिशिएंट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? 2 बाय 2 में दो कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखता हूँ, α0 α1। अब दो कोएफिशिएंट है सर, आपने एक चीज बोला था याद होगा, तो जब भी ए रहता है ना, ए रहता है, ध्यान समझना, ए रहता है तो यहाँ पर कांस्टेंट चलता नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स के साथ कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। तो क्या करना पड़ता है, देखो एक आई लिखा, एक ए लिखता हूँ, बीच में प्लस लिखता हूँ। वेट, सबर रखो मैं बात करूंगा। यहाँ पर जरा मेरे को ये बताओ, अगर मैंने ये बोला कि फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखना कैसे मैं कैसे लिखता हूँ वो चीज देखो। मैंने लिखा फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पर लिखा α0 α1 α2। 3 बाय 3 में कितने कोएफिशिएंट होंगे? 3। फर्स्ट में आई लिखने का, ए लिखने का, ए स्क्वायर लिखने का, समझ रहे? बीच में क्या डालेगा, प्लस प्लस, समझता है? ये मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए तुमको, मैंने क्या बोला, क्लियर है ना? अगर चलो 4 क्रॉस 4 में क्या हो जाएगा, और 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू, तुम लोग सोचो α0 α1 α2 α3। नाउ व्हाट, हियर आई ए ए स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस 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 सो ऑन। तो सिमिलरली तुम लोग 5 क्रॉस 5 के लिए भी बना सकते हैं। बट व्हाट, जब तुमने ये सॉल्व करना चाहते हो ना, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है साइन थीटा का, मतलब आगे चल के देखोगे तो तुमको लगने वाला है। मैं तुमको बात कर ले तो अभी डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो ये हेल्पर लोग है, मैं इसको नाम ही देता हूँ हेल्पर लोग। याद होगा तो जब मैंने लैपलेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले वाले वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का था उसमें मैंने डिटेल में बताया था। यहाँ पर तो तुमको सिर्फ ये बताने वाला हूँ मैं साइन टीटा क्या होता है, साइन टीटा और उसमें उसका रिलेशनशिप एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसको यूलर्स बोलते हैं, ई लिखने का, ई लिखने का, यहाँ पर आई लिखने का, यहाँ पर आई लिखने का, माइनस आई लिखने का, अपॉन में 2 आई लिखने का, याद करो। यहाँ पर टीटा लिखने का, जो इधर टीटा ये रहता है ना एंगल, वो इधर लिखने का। साइन रहता है तो मैंने याद दिला था कि हर बार माइनस ही रहता है। सिमिलरली अगर मैंने कॉस थीटा के बारे में डिस्कस करूँ तो कॉस थीटा के बारे में क्या होता है, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा, प्लस आता है अपॉन में 2। नाउ क्वेश्चन आ रहा है कि इधर आई है इधर आई नहीं, क्योंकि कॉस इज अ रियल फंक्शन एंड साइन इज अ इमेजिनरी फंक्शन, याद करने का। ये हम लोग का हो चुका है यूलर्स में, समझ रहे? ये एक्चुअली M3 का पार्ट है, हम लोग ये M4 सीख रहे तो M3 में ये हुआ रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते ये नहीं हुआ। हाँ चलो, नाउ सर और एक फॉर्मूला है साइन एच थीटा। नाउ व्हाट डज दिस मीन, एच स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक बोलते हैं कि मेरे को इमेजिनरी पसंद नहीं है, लेकिन साइन है ना, साइन का सीन बोला था, ई दिखता है, ई दिखता है, यहाँ पर माइनस आता है, माइनस आई थीटा, यहाँ पर 2 आई,
लेकिन सर आपने तो बोला आई नहीं दिखता। हाँ मैं रब करता हूँ ना, मतलब सेम टू सेम लिखता हूँ लेकिन मैं आई नहीं लिखता हूँ, समझाइए ये फॉर्मूला बनता है। तो सिमिलरली अगर मेरे को कॉस का किसी ने बोल दिया कॉस एच थीटा, तो सेम टू सेम अभी इस बार मैं आई नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे मैंने क्या बोला, मैं आई नहीं लिखना चाहता। यहाँ पर आई आता है, साइन में नेगेटिव आता है, कॉस में पॉजिटिव होता है, साइन में नेगेटिव होता है, कॉस में पॉजिटिव होता है। द थिंग इज व्हाट, जब भी हाइपरबोलिक रहेगा तो इमेजिनरी नहीं दिखना चाहिए, एंड साइन के अपॉन में 2 आई रहता है। ये क्या हो गया, हमारा बेसिक पार्ट हो गया। एक सम कवर करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं अगर स्टेप देना चाहूँ तो यहाँ पर एक काम करें, हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें मैं स्टेप बता दूंगा, ताकि तुम लोग को फैमिलियर हो जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ, कोई स्टेप मैं सब में फॉलो करना होगा। लेकिन इसके लिए मेरे को प्री रिक्वेस्ट क्या है, आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन आना चाहिए। वो कौन सा, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, याद है कुछ तो छोटा मोटा चीज। यहाँ पर जरा मेरे को एक चीज कवर कर दो, अगर यहाँ पर 2x से 3 है और यहाँ पर समझो 3y, यहाँ पर 3x+-3y, तो तुमको x और y का वैल्यू चाहिए, समझ x और y का वैल्यू चाहिए। तो देयर आर टू वे, याद करो ये देखो, +3y दिखता है, -3y दिखता है, ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम होता है, तो इसको ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड करूंगा तो कैंसिल होएगा, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, या मतलब ये माइनस का प्लस हो जाता है। याद करने का यार, 9th स्टैंडर्ड का चीटिंग नहीं, अभी हम लोग वो पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ कि ऐड करो तो ये +3y -3y गेट कैंसिल, तो यहाँ पर ये कैंसिल होके मेरे को ये 5x, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 5x मिल जाएगा और इज इक्वल टू व्हाट, ये 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, मिलेगा 11/5। नाउ इट्स ऑन यू, अभी भी तुम्हारे पास दो पैटर्न है, या तो x को इसके अंदर फेंको, या तो फिर ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम लोग अगर ऐड करोगे तो समझो, अगर इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6। अगर तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये दोनों का साइन क्या प्लस है और तुमने वापस ऐड किया तो ये 12x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैं जजमेंट क्या देना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने बुक में एक लिख लो, जब भी सेम साइन रहेगा ना, सेम साइन प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस रहेगा, तो उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करना है। रिपीट, मेरा पॉइंट एक बार लिख के रखो, लाइफ में काम आएगा, क्वाड्रेटिक आगे जब डिस्कस करेंगे। तो जब भी सेम साइन रहेगा और उसको कैंसिल आउट करना है तो तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अपोजिट साइन रहेगा तो उसको ऐड करना है। अरे कॉमन सेंस, +2 -2 क्या होता है, कैंसिल, प्लस माइनस, तो इसलिए तुम लोगों ने कैंसिल किया। लेकिन अगर मैंने इसी को बोला +2 और -2 को माइनस कर, मतलब यहाँ पर +2 और -2 को माइनस कर, तो ये क्या हो जाएगा, +2 यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज नथिंग बट 4। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो पहले आप ये कॉपी कर लो, तो हम लोग पहला सम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, ये मैंने अभी सॉल्व कर दिया है ताकि टाइम बच जाए। स्टेप कुछ नहीं है, एक बार सम देखा तो मैं दूसरा सम लूंगा तो आपको खुद याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन याद होगा तो आइगन वैल्यूज निकल देते। मैंने अभी तक जितना भी वीडियो कवर किया ना, सब में 3x3 का किया, क्योंकि आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन, डायगोनलाइजेबल, ये जो भी आता है ना, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ये सब 3x3 में आता है। तो मैंने सोचा कि 2x2 का नहीं लूंगा, ऐसा सोचा, लेकिन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 2x2 का ही आने वाला है, मोस्टली मुंबई यूनिवर्सिटी में 2x2 का ही आता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं कवर किया इसमें कवर करता हूँ। सेम पैटर्न है, वहां पर फॉर्मूला याद रहता है, लैम्डा क्यूब वगैरह समथिंग एल्स। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला नहीं देने वाला, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और कुछ नहीं। कैल्सी है, हाँ है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसा बनने वाला है ना, जो तुम्हारे कैल्सी में नहीं होगा, क्लियर रख लो। तो ठीक है, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने बोला था मैट्रिक्स देगा और फाइंड करने बोलेगा कॉस कॉट ए रेस टू एन, दिखते हैं यहाँ पर फाइंड क्या, अच्छा फाइंड की जगह पे यहाँ पर बोला प्रूव करने, तो डर है कुछ नहीं। अरे प्रूव बोल, या सिर्फ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आएगा फाइंड कॉस ए, फाइंड कॉस है, या फिर फाइंड साइन है, तो डरना नहीं है। यहाँ पर प्रूव डेट करके बोला और LHS is equal to RHS. Now we are engineers. हम लोग को पता है, अगर हम लोग को आंसर पता है तो हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ रहे हैं, हम लोग इंजीनियर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। 32 नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन आएगा कभी तो कभी आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टेप वन इज वॉट, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे लेते थे, मॉड, गलत बोल दिया, डिटर्मिनेंट किसका, ए माइनस लैमड़ा ही, और उसको इक्वल टू जीरो करके जो आंसर आता था लैमड़ा का, वही हमारा आइगन वैल्यूज होता है। स्टार्ट करते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है यार, डायगोनल में सिर्फ माइनस लैम्डा करना है और कुछ नहीं, तो माइनस लैम्डा करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन एज इट इज। नाउ इक्वल टू जीरो, अब मैंने यहाँ पर कुछ तो मेथड वन और मेथड टू दिया है, मेथड टू मत देखो फिलहाल के लिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा और ऐसा। देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करते हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो पाई माइनस लैम्डा और पाई बाय टू माइनस लैम्डा,
और माइनस जीरो, ये दिखता है माइनस जीरो, मैं दिखाया नहीं, और इक्वल टू जीरो। अब बचपन में याद होगा तो मैडम बोलती थी दो ब्रैकेट होगा तो डायरेक्टली इक्वल टू जीरो कर। देखो जैसे दो ब्रैकेट दिखा ना, पाई माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, पाई बाय टू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू जीरो, मैं वही किया देखो, और कुछ नहीं। और समझ रहा है ना सर, सेकंड वन इज व्हाट? मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, मैंने बोला था कि गेट में ऐसे इक्वेशंस आते हैं, समझ रहा है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं आएगा, लेकिन फॉर अ व्हाइल तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर नाम में काम हो रहा है, अपर में एलिमेंट रहेगा, लेकिन किसके अपर डायगोनल में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो वन टू थ्री, देखो ध्यान से आ गया, यहाँ पर सोचो जीरो है, जीरो है, जीरो है, यहाँ पर थ्री है, ये ऐसा है। सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो चीज समझो। एक डायगोनल को पकड़, डायगोनल के ऊपर सब दिखता है, डायगोनल के ऊपर सब एलिमेंट है, हाँ दिखता है, टू थ्री फोर, डायगोनल के नीचे सब जीरो है, मतलब किधर प्रेजेंट है ट्रायंगुलर? ऊपर। अरे ट्रायंगुलर क्यों बोलता हुआ देखो यहाँ पर, तो अपर ट्रायंगुलर आता है ना, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, वन टू थ्री यही तुम्हारा आइगन वैल्यूज होते हैं, टेंशन नहीं। तो सिमिलरली जब यहाँ पर अगर मैंने जीरो लिखता, जीरो लिखता हूँ, और यहाँ पर जीरो लिखता हूँ, यहाँ पर वन टू, यहाँ पर थ्री लिखता हूँ, या माइनस थ्री कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा, वन टू थ्री, कैसे मालूम पड़ा? ये लोअर ट्रायंगुलर है। तो मुझे चलो इसका बताओ जरा, जीरो वन, अच्छा इसका समझो यहाँ पर माइनस टू है, अच्छा ये अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर है, मुझे सिर्फ ये चाहिए। पहले क्या करना है, डायगोनल को पकड़, लाइन मार, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है, टू एलिमेंट है, लेकिन अपर है या लोअर? अपर में, तो अपर ट्रायंगुलर मतलब इसका बिना देखे हम लोग बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज माइनस टू वन। क्या हर बार एग्जाम में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमको कंसेप्ट बता दिया। तो यहाँ पर लिखा देखो, यहाँ पर, अच्छा ये देखो अपर है या लोअर, वेरी गुड। नाउ तो पाई, पाई बाय टू इज योर व्हाट, आइगन वैल्यू, सिंपल मैंने यही लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा, इधर हिंदी में बोला, समझ रहे हैं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैटर वन मैटर टू इट्स ऑन यू, तो कभी भी देखना क्या है कि अरे भाई ये अपर ट्रेंगुलर है या लोअर ट्रेंगुलर, ऐसा देखो तो देख के आंसर बता दो ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नाउ ये स्टेप ज्यादा नहीं था, स्टेप वन क्या था, आइगन वैल्यूज कैसे निकाला, जरूरी अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर नहीं, इधर कुछ एलिमेंट होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता और मैं छिड़खानी करके कुछ तो क्वाड्रेटिक बनाता और कैल्सियम डाल के पटपट आंसर निकलता, लेकिन उस टाइम पे कैल्सियम में नहीं होता ये सब चीज, अच्छा वैल्यूज दिए रहता तो पटपट हो जाता है, समझ रहा है? ठीक है, टिप भी हम लोग नेक्स्ट समय देखेंगे, स्टेप वन में ही चल रहा है। मैंने बोला फॉर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, इसके बाद याद है हम लोगों ने बेसिक कवर किया था पहले, टू क्रॉस टू कैसे मालूम पड़ता है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, दो बाय दो का है, तो इधर लिखना प्यार से बच्चा, दो बाय दो। फॉर टू बाय टू मैट्रिक्स के लिए मैंने बोला था फंक्शन कैसे बनता है, फाई ऑफ ए, यहाँ पर मेरा यहाँ पर देखना एक्टिंग, फाई ऑफ ए अल्फा जीरो अल्फा वन आई ए, बीच में क्या आएगा प्लस, एग्री करते हैं? हाँ या ना? देखो वही लिखा ना सर, फाई ऑफ ए क्या, मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना वो लिख, ए रेस टू हंड्रेड पूछा है तो ए रेस टू हंड्रेड लिख, टेन टीटा बोला तो टेन टीटा लिख, साइन टीटा बोला तो साइन टीटा लिख, या कॉस ए, यहाँ पर टीटा नहीं आता यहाँ पर ए आएगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में खेल रहे हो इसलिए टीटा की जगह पे ए आने वाला है, तो यहाँ पर कॉस ए आया तो कॉस ए लिख, इज इक्वल टू व्हाट, सेम टू सेम लिखा मैंने। यहाँ पर आई क्यू लिखा तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए, जब भी मैट्रिक्स में खेलूंगा तो अगर आई नहीं लिखता तो ये अल्फा जीरो विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, और मैट्रिक्स के सब कॉन्स्टेंट का गेम नहीं होते, डिस्कस हो चुका है अपना, तो यहाँ पर आई लिखा है ना। स्टेप वन क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, स्टेप टू क्या है, यहाँ पर देखो जरा, रिप्लेस ए बाय लैमड़ा, ए को लैमड़ा से रिप्लेस कर दे भाई, यहाँ पर देख, यहाँ पर देखना वहां पर तो होता रहेगा, देखते कॉस लैमड़ा इज इक्वल टू अल्फा वन लैमड़ा प्लस अल्फा जीरो आई, क्या मेरे को आई लिखना पड़ेगा, आई ए तो रहेगा नहीं, देखो यहाँ पर अभी देख सकते हो ए है नहीं तो आई लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, आई का वैल्यू होता है वन, इक्वेशन में आई का वैल्यू क्या होता है वन, और मैट्रिक्स के फॉर्म में वन जीरो जीरो, ये तो पता होना चाहिए, अभी वो सब डिस्कस हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा पता होना चाहिए मतलब तुम लोग कहीं से बॉनी फायर एकदम बॉन फायर, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग का डिस्कस हो चुका है इसलिए मैंने बोला कि पता है। पुट, अच्छा इसका क्या अचार बनाने का है, थोड़ा सोचो, ये लैमड़ा का टर्म दिखता है और तुमको लैमड़ा का दो वैल्यू मिला, क्या करना, उसको पकड़ के इसके अंदर फेंकना है, क्या बोला मैंने, तुमने ये किया एक और यहाँ पर लैमड़ा से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर लैमड़ा का दो वैल्यू मिला, ले फेंके फेंक इसको, लिए पहला लैम्बडा का वैल्यू पाई मिला है, ये पाई बाय टू जो चाहिए, हैशटैग के अंदर है कॉस पाई अल्फा वन पाई प्लस अल्फा जीरो, यहाँ पर कॉस पाई माइनस वन, कैल्सियम में कॉस 180 डालने का, कॉस 180 डाल डिग्री मोड में, तो रेडियन में तो कॉस पाई डाल माइनस वन देगा कैल्सियम, तू कुछ मत कर, मुझे मालूम है, मेरे को देख के मालूम पड़ता कॉस पाई माइनस वन है, समझ रहा है, लेकिन तुमको नहीं पता तो कैल्सी है, 900 रुपया है मेरे पास, समझ रहा है? तो यहाँ पर माइनस वन अल्फा वन पाई प्लस अल्फा जीरो, और कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो मैंने इसको इक्वेशन वन नाम दे दिया। नाउ सिमिलरली यहाँ पर जब मैं बात करूँ तो पाई का लिखा, यहाँ पर पाई बाय टू आने वाला है,
5/2 आने वाला है तो क्या डर है कुछ? नहीं, जैसा इसमें छेड़खानी किया वैसे कर इसमें, तो क्या हो जाएगा? पुट यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा 0 हो जाएगा, कॉस 5/2। ये कैलसी में मत करो यार, नाम मत खराब कर दो मेरा। कॉस 5/2 मतलब क्या? तो पाई मतलब 180, 180 डिवाइड बाई 2 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है यहाँ पर 0। ये हम लोग को बचपन में मैडम ने सिखाई थी, समझ, मैडम या तो सर जो भी हो, मैडम ने सिखाई थी 0, 30, 45, 60, 90 इतना तो याद करने बोला था, लेकिन हम लोग को तो कॉपी करने का था, हम लोग को मालूम है सब कुछ, तो हम लोग को याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तभी भी तुमको मालूम पड़ना चाहिए। या फिर बाय द वे तुम्हारे पास क्या है, कॉस 180/2 डालो, आंसर देगा 0, समझ रहे? टेंशन मत लो। मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा देखने में प्रॉब्लम होता है तो मैंने ये एज इट इज लेके इधर रखा, ये एज इट इज लेके इधर रखा। अब मुझे बताओ साइमल्टेनियसली, मैंने बोला था साइमल्टेनियसली यूज होगा, कौन सा जल्दी कटने का चांसेस है? दिखता अल्फा 0, अल्फा 0। तो देखो साइन क्या, प्लस प्लस, मैंने बोला था जब सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक करने का, सब्ट्रैक का सेम समझता है ना, सब्ट्रैक क्या होता है, सब्ट्रैक मतलब साइन चेंज होता है, 0 का साइन चेंज के कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये अल्फा 1 पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, मैंने बात किया था ना जब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होता है और सेम रहेगा तो ये नेगेटिव लिखने का, तो ये कट हो गया। यहाँ पर अल्फा 1 को कॉमन लिया, पाई पाई बाय -2, ये 0 -1 -0 दैट इज नथिंग बट -1। तो मैंने क्या किया, अल्फा 1 का वैल्यू निकाला, अल्फा 1 का वैल्यू आया -2/पाई। जिस तरह तुमको अल्फा 1 का मिला वैसे अल्फा 0 का मिलेगा। अल्फा 0 का चांसेस क्या है मेरे हिसाब से, तुम लोगों को लगना चाहिए यहाँ पर अल्फा 1 मिला है तो ये देख दो बच्चे हैं ना, अल्फा 1 का या तो इसमें फेंक या तो इसमें फेंक, ये दोनों वही यहाँ क्या भाई भाई, तुम लोग बोल रहे कि सर इसमें बोल के और इसमें, अरे यही मैंने उठा के चिपका है। तो यहाँ पर मैंने बोला का मतलब क्या है, अल्फा 1 मिला है ना तो तुम किसमें भी डालो, इसमें पुटअप करो या तो इसमें पुटअप करो, मेरे को ये अच्छा दिखता है। क्यों? इसमें 0 दिखता है इसलिए मेरे को अच्छा दिखता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर 2 होता है यहाँ पर 3 होता ना तो मेरे को 2 वाला अच्छा दिखता है, क्योंकि मेरी आदत हो गई है जो छोटा नंबर रहता है ना मैं उसमें फेंकने का ट्राई करता हूँ, तो 0 का तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता, समझ रहे? यहाँ पर 0, अभी तुम बोले -1 छोटा है, नहीं मेरे को 0 अच्छा दिखता है, तुम लोग को अच्छा लगता है उसमें फेंको, समझ रहे? चलो 0, अल्फा 1 का वैल्यू क्या डाला, -2/पाई। ये देखो यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा -1, -1 प्लस अल्फा, यहाँ पर अल्फा 0 को उस साइड फेंको या तो -1 को उधर फेंको, तो अल्फा 0 1 मिला। क्या करने का, अचार बनाने का क्या, ये अल्फा 0 और अल्फा 1 का वैल्यू क्या करने का है मेरे को, इसको प्रूफ करने का। किसको प्रूफ करने का, कॉस ए को या कॉस बी, ये लैम्बडा को, किसको, कॉस ए को ना, तो इसके अंदर छेड़गा नहीं गया, इसको रखा था मैंने स्टार, याद रखो मैं हर बार यही करने वाला हूँ अभी आगे, स्टार हैशटैग साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर स्टार में डाल, समझ गया ना। कॉस ए अल्फा 1 का वैल्यू डालूंगा, ए एज इट इज, अल्फा 0, आई एज इट इज, देखो यहाँ पर वही किया, नाउ इक्वेशन स्टार बिकम व्हाट, कॉस ए की जगह पे क्या लिखा, -2/पाई, मतलब अल्फा 1 है, ए प्लस 1, ये कौन सा अल्फा 0 का वैल्यू आई ना। मुझे बोलो एक, देखो कभी कभी तुम लोग इधर स्किप किया ना तभी भी आंसर सही है, लेकिन जब उसने प्रूफ करने बोल दिया इसका मतलब क्या तुमको लेकर आना पड़ेगा, तो क्या टेंशन नहीं लेने का, ए का वैल्यू पता ना तुमको, ए का वैल्यू देख किधर 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 किधर, ये है ये नहीं है समझा, मालूम पड़ा ये उठा के फेंक दिया, अरे कैसा लगे, पाप लग जाएगा फिर, तो यहाँ पर ये वाला उठा के फेंकना, तेरे को कुछ तकलीफ है क्या? यहाँ पर प्लस का प्लस लिखा, 1 का 1 1, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिटरी मैट्रिक्स बोलो, इट्स ऑन यू। तो करना क्या है, इसको अंदर फेंकूंगा ना तो ये पाई पाई गेट कैंसिल हो जाएगा, दिखता है ये वाला अंदर जाएगा तो क्या होता है, -1/2 बचता है, तुम लोगों को इतना पता होना चाहिए, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर -1 बचता है, नाउ प्लस ये वाला एज इट इज रखा, -2/1, -1/2+0, ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा आराम से, समझ रहे? ये क्या हो गया, आप लोगों का कॉस ए हो गया। पहले एक चीज क्लियर रख लो, तुम लोग को समझा या नहीं, मैं एक बार बोलता हूँ, तुम लोग बोर्ड पे नहीं देखने का, एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने बोला मैट्रिक्स दिया रहेगा, फाइन एवर्ट कॉस है या तो साइन है, ये डिस्क्रिप्शन में या तो फिर अभी मैं दे देता हूँ तुमको साइन का होमवर्क, तुम लोग ट्राई करो और 110% आएगा तुमको, यही पैटर्न फॉलो करना, समझ रहा है ना। सेम अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर आने का चांसेस होता है, हाँ आएगा, समझ रहा है, या तो क्रॉस मल्टी मैट्रिक 1 यूज करो, मैट्रिक 2 यूज करो। स्टेप नंबर 1 में हम लोग को क्या लिखना, फॉर 2×2 मैट्रिक जो हम लोग ने डिस्कस किया था, फिर ए को पकड़ना है, उसको ए को फेंक, लैमड़ा डाल, लैमड़ा डालने के बाद क्या करने का है, देखो लैमड़ा का 2 वैल्यू मिला ना, इसके अंदर मसाला फेंक, समझ रहा है, दो मैं मसाला बोल रहा हूँ कि ये लैमड़ा को फेंक, दूसरा लैमड़ा को फेंक, फिर क्या करेगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन, साइमल्टेनियसली का बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इट्स ऑन यू, तुम लोग कैसा भी सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे, बहुत सारे मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड भी होते हैं, समझ रहा है, इतना नहीं पता हम लोग को, समझ रहा है, लेकिन तभी भी तुमको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ये साइमल्टेनियसली बोलते हैं। फिर अल्फा 0 और अल्फा 1 का वैल्यू लेके मैंने स्टार में फेंका, स्टार में फेंकने के बाद ओवर हो जाता है, बट स्टिल अगर उसने प्रूफ करने बोला तो ए का वैल्यू डालेगा, आई का वैल्यू डालेगा, सॉल्व करेगा और तेरे को प्रूफ 110% मिलेगा, ये कॉस ए होता है, तो ऐसा क्वेश्चन सब कुछ आ सकता है, पहले आप ये कॉपी कर लो फिर हम लोग डिस्कस।
सो गाइज इट्स अ सेकेंड सम, फर्स्ट सम कवर हो गया, सेम पैटर्न, मैंने उसमें थोड़ा चेंजेस किया है, तुमको मालूम पड़ेगा क्या चेंजेस किया, देख लेना आपके अगर बुक में अगर आपने नोट्स बनाया रहेगा तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ा रहेगा। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। यहाँ पर नंबर है प्रूफ डैट, देखो यहाँ पर 3 10 है इज इक्वल टू वॉट 8 10 3, मुंबई यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे टाइम में भी आया था कसम से, लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि मेरा प्रैक्टिस नहीं था उतना अच्छा था, मेरे को मालूम नहीं था स्टेप, में हर एक बार में अलग अलग स्टेप फॉलो करता था, लेकिन तुम लोगों को मैं जैसे सजेस्ट करूंगा ना तो वही फॉलो करो। क्या था आइगन वैल्यूज, यहाँ पर याद होता रहेगा, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम लिखने का, और यहाँ पर माइनस लैम्डा लिखने का। यहाँ पर ये देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में, पहला चीज ये क्लियर हो, स्क्वायर आता तो मैट्रिक्स और स्ट्रेट आता तो डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर ये डिटरमिनेंट की बात हो रही है। सर आपने वापस मैटर वन मैटर टू के बारे में डिस्कस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर नहीं है, बच्चा बात करने से जरा थोड़ा सोच बाद में, यहाँ पर कुछ नहीं, क्रॉस डिटरमिनेंट कैसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, माइनस वन माइनस लैम्डा यहाँ पर ब्रैकेट -8 तुम्हारे सामने लिखा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल होके ये -1 -8 -9 बचेगा, और लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट लिया तो 3 और -3 फुल क्लियर है। यहाँ पर सेकंड मेथड पे आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जब मैं गेट का एग्जाम देता हूँ मैं ये वाला फॉलो करता हूँ, ये वाला, क्योंकि इससे जल्दी ये हो जाता है। ऐसा कैसा, देखो याद होगा लैम्डा क्यूब, क्योंकि वहां पर 3 क्रॉस 3 का, तो इसलिए लैम्डा क्यूब लिखता था, यहाँ पर मैं लैम्डा स्क्वायर लिखूंगा, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, वहां पर सम ऑफ माइनर होता था याद होना चाहिए, इधर माइनर होता ही नहीं है, और डिटरमिनेंट डायलिखे तो लैम्डा स्क्वायर एज इट इज सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, मतलब इसको डायगनल बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, -1 + 1 क्या होता है 0, मतलब सम ऑफ डायगनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ये क्लियर होना चाहिए। नाउ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2 बाय 2 का, अरे भाई मैंने फर्स्ट लेक्चर में 3 बाय 3 का बताया, 2 बाय 2 का बताया, तो इधर बताने में कुछ तकलीफ नहीं होगा मेरे को, यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, -1 × 1, सर इसका क्यों नहीं डिटरमिनेंट ले रहे बच्चा, मैंने मॉड देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला है, मतलब ए का ही डिटरमिनेंट लेना है, ए माइनस लेमड़ा इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट, मैंने ए का डिटरमिनेंट बोला तो यहाँ पर आएगा, तो -1 आया, माइनस ये कितना है 8, दैट इज नथिंग बट -9, तो डिटरमिनेंट क्या आया -9, ये हटा पीछे से लैम्डा स्क्वायर -9, इसको इधर लेके जाएगा तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 3 और -3 होता है, मैट्रिक्स 1 भी क्लियर होना चाहिए, मैट्रिक्स 2 भी क्लियर होना चाहिए। सेम पैटर्न इसके बाद मैंने बोला था फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स, फाई ऑफ ए में मतलब यहाँ पर क्या लिखने का, जो क्वेश्चन रहेगा वो α0 α1 IA, फाई ऑफ ए में इधर कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन ये है, LHS शुड बी इक्वल टू RHS, यहाँ पर अपना पैटर्न कभी चेंजेस मत करो, LHS ही रखना है इधर, याद होना चाहिए, इसको मैंने क्या नाम दिया था स्टार। आगे डिस्कस करने के लिए क्या होता है, ए को रिप्लेस कर लैम्डा से, एग्जैक्टली यहाँ पर स्टेप टू इज वॉट, स्टेप टू मेरा क्या है, रिप्लेस ए बाय लैम्डा, तो यहाँ पर ए 3 10 लैम्डा, λ1 यहाँ पर α1 λ + α0, कंफ्यूजन का पार्ट नहीं आना चाहिए तुम्हारे मन में, यहाँ पर पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3, अरे 3 पुट अप करने में कुछ नहीं जाएगा भाई, मैंने तुमको बोला था इसका अचार नहीं बनाना है क्योंकि वो मैं बनाता हूँ, यहाँ पर लैम्डा का जो वैल्यू है 2 है उसको भी देखना है, एक लैम्डा का वैल्यू 3, एक लैम्डा का वैल्यू -3 है, तो एक बार 3 डालता हूँ, 3 tan 3 इज इक्वल टू यहाँ पर α1 यहाँ पर 3 आ जाएगा + α0, ऐसा कुछ तो आएगा, देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है, ऐसा ना मेरे को जम रहा नहीं है, तो मैंने क्या किया ये 3 को आगे रखा, तुमको ऐसा जमता रहेगा तो करो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर भी इसको इक्वेशन दे सकता है, बट वॉट मेरे को ऐसा देख के ना तकलीफ होता है, मेरे को डर लग जाता है, यहाँ पर अल्फा अल्फा वगैरह देख के तो मेरे को बीटा गामा सब याद आ जाता है, पता नहीं कहाँ से क्या है, समझ रहा है, तो मैंने क्या किया वो 3 को इधर रख दिया, टेंशन नहीं ना तुमको, एग्जैक्टली यहाँ पर 1 के बारे में बात किया, जैसे तू अभी 3 पुटअप किया तो -3 को भी पुटअप करना ही पड़ेगा ना भाई, तो -3 को भी पुटअप कर देना, किधर पुटअप कर दे तुमको मालूम है, स्टार में नहीं हैशटैग में, लास्ट में जो आंसर मिलता है स्टार में पुटअप करते हैं, बोल यस, आगे बात कर, हैशटैग की बात करूंगा ना, तो 3 10 -3, 10 ऑफ -3, अच्छा ये α1 -3 + α0, मैंने बोला ये मेरे को जमता नहीं है, तो मैंने -3 α1 + α0, सर इसका क्या करो, tan ऑफ -θ इज वॉट, tan बचपन में सिखाया था मैडम ने, tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ, cos और sec का छोड़ के बाकी सब माइनस में आता है, इतना तो क्लियर होना चाहिए, यही लिखा है यहाँ पर, इसके बाद याद होता रहेगा, मैं इसको उठा के इधर फेंकता था, इसको उठा के इधर फेंकता था, अब मेरे को देखना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देखो α0 अकेला बंदा है, α0 अकेला बंदा है, और इसका साइन प्लस है, सेम साइन रहेगा तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट, तो मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, या फिर तुम लोग का नजरिया चेंज करो, यहाँ पर 3 α1 है -3 α1 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ऐड भी कर सकता है भाई, मतलब तू ऐड भी कर सकता है सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, इसलिए मैंने बोला ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर, तो मैंने यहाँ पर लिखा मैं ऐड कर रहा हूँ, तुम लोग को तकलीफ नहीं है ना, तुम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो जैसे मैंने ऐड किया ना तो साइन चेंज नहीं होता, ये 3 और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल, α0 का वैल्यू क्या आया, कटाकुटी करके 0 आया, तो मैंने बोला α0 इज इक्वल टू व्हाट, 0,
नाउ मैंने बोला जैसे ही मिलता तो ये अल्फा जीरो को, यार प्रीवियस वाला सम के जैसे पैटर्न कर रहा और कुछ चेंजेस नहीं कर रहा इतना भी। अल्फा जीरो को क्या करना है, वन या तो टू में फेंक, मैंने टू वाला देखा तो टू में फेंक दिया। यहाँ पर जरा मेरा साथ देना मेरे को, इसका मतलब माइनस थ्री टेन थ्री इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, अल्फा वन चाहिए तो थ्री टेन थ्री, ये थ्री। अच्छा ये थ्री किसके साथ कटता है, इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ कटता है तो तुम्हारा मैथ्स बहुत कच्चा है, तो तुम वापस जाने का एट स्टैंडर्ड में। ये एंगल है ना बच्चा, मैंने क्या बोलता हूँ, ये एंगल है, एंगल कभी कट नहीं होता, तो यही कैंसिल होएगा, तो अल्फा वन का वैल्यू क्या आएगा, टेन थ्री। समझना चाहिए अपने से मिस्टेक कहाँ होता है वो पहचानो। ना वॉट, तेरे पास अल्फा जीरो का वैल्यू है, अल्फा वन का वैल्यू है, तो क्या करेगा तू, ये पुट अप कर अल्फा जीरो और अल्फा वन का वैल्यू, स्टार में पुट अप करना, कुछ तकलीफ है क्या? नहीं तो स्टार में डालेगा तो थ्री टेन ए प्लस थ्री टेन ए इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू अल्फा वन ए, अल्फा वन का वैल्यू क्या, टेन थ्री ए लिखा, प्लस अल्फा जीरो का वैल्यू क्या, यहाँ पर जीरो आई, दिखता नहीं देगा, छोड़ दो यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ये थ्री इंटू ए इज वॉट, टेन थ्री ए बोल सकता है क्या? अभी डिस्कस किया मैंने ऊपर के एंगल के साथ छेड़खानी नहीं करने का, चाहे कोई भी मल्टीप्लाई करेगा, साइन टीटा इंटू टू करेगा तो क्या साइन टू टीटा लिखता है या टू साइन टीटा लिखता है, सोचो अपने माइंड में, फिर आंसर दूंगा, समझ रहे? तो एंगल के साथ कभी भी छेड़खानी मत करो। तो ये एंगल हो गया तेरा, तो ए को मैं इधर लिखता हूँ, चलेगा ना, हेंस प्रूफ। क्या सर इतना इजी पैटर्न है? हाँ इतना इजी पैटर्न है, तो तुम लोग को भी यही फॉलो करने का मैं तुमको बोल दूँ, इसमें डरे क्या कुछ? फंक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने बोला हर पेपर में आता ही है, हर पेपर में 98%, 99, 100% भी बोल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि यही चार पांच टॉपिक जो मैंने कवर किया ना इसमें से आने वाला है, यही तुमको पासिंग मार्क्स क्लियर कर देगा, तो अच्छे से अगर प्रैक्टिस किया तो, समझ रहा है? मेरा साथ देना, यहाँ पर जैसा क्लियर किया वैसा वैसा तुम लोग थोड़ा कुंभुज करके एक दो सम्स लेने का, और तुम लोग ये पैटर्न फॉलो करो उधर से तुम लोग को नहीं समझेगा, लेकिन ये पैटर्न फॉलो करोगे ना तुम लोग, ये नहीं कोई भी समझो तो कवर हो जाएगा। ये हम लोग का ये मेरा पार्ट वन रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू कवर करूंगा ताकि तुम लोग को और अच्छे से आइडिया मिल जाए। चलेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आपके लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।